हेलो एवरीवन, मैं हूँ ललिता और सेवन स्टार किचन पर आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए बर्फ़ी कितनी दानेदार बनी है, एकदम तोड़ते ही टूट जा रही है और मुंह में जाते ही घुल जाएगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसे आप बिना गैस जलाए ही बना सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मिल्क पाउडर, यह हमें 2 कप लेना है। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 कप नारियल का बुरादा लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। लगभग 1/4 कप हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, यानी कि लगभग 4 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप बिना गैस जलाए ही बना सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पर दूध लिया है, दूध आप रूम टेम्परेचर पर ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें हम मिलाएँगे और इसका हमें एक डो जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे डो बनाने के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे हाथ से। थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध डालते रहेंगे। तो ये देखिए थोड़ा जो मिक्सचर है अब ये कंबाइन होने लगा है। इसमें अभी तक मैंने 2-3 चम्मच दूध डाला है। इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच देसी घी और इसका एक स्मूथ डो हमें बनाकर तैयार करना है। दूध इसमें आप ज़रूरत के अनुसार ही डालें, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो जो डो है वो गीला हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। इस तरीके का हमें थोड़ा सा सॉफ्ट डो चाहिए होगा। और जो दूध इतने डो को बनाने में लगा है वो लगा है लगभग 1/4 कप। अब हमारा जो ये डो रेडी हुआ है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब 2 पार्ट हम इसी तरीके से रहने देंगे और 1 पार्ट इसका हमें ले लेना है। तो हमने जो ये तीसरा पार्ट लिया है इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर। तो इसमें लगभग 3 चम्मच हम कोकोआ पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो कोकोआ पाउडर की जगह इसमें चॉकलेट पिघला के डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। अब हम कोकोआ पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट पाउडर को इसमें कंबाइन करने के लिए थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। तो ये देखिए चॉकलेट पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा घी लगा लिया है और थोड़ा सा घी हम बेलन पे लगा के रखेंगे। और अब हमने जो ये व्हाइट वाला डो रेडी करके रखा था इसे हमें बेल लेना है। इसे हम थोड़ा सा स्क्वायर शेप में रखने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए एक लेयर हमने बना ली है, इसे भी हम साइड में कर देते हैं। हमने जो ये ब्राउन डो रखा था इसे हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये डो रखने की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गया तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसे वापस से थोड़ा सा गूंथ लें और उसके बाद इसे बेलें। अगर आप इसे स्मूथ करके नहीं बेलेंगे तो ये हो सकता है टूट जाए। तो इसकी अब हम दूसरी लेयर बनाएंगे। तो ये देखिए 2 लेयर जो हैं लगभग हम बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। और अब हमने जो पहली लेयर बनाई है उसके ऊपर हम ये चॉकलेट लेयर को लगा देंगे इस तरीके से। तो ये दोनों लेयर अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। अब हमारा जो ये बर्फ़ी का मिक्स बना है इसे हम इसी तरीके से लगभग 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। बर्फ़ी रखे हुए मुझे 1/2 घंटे हो गए हैं और अब ये सेट हो गई है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए बर्फ़ी कितनी दानेदार बनी है, एकदम तोड़ते ही टूट जा रही है और मुंह में जाते ही घुल जाएगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है।